आज जो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो कविता माँ और ये दुनिया, किस तरह से माँ हमें प्यार देती है, दुलार देती है, और हमें लगता है कि मम्मी जो होती है, हमारी मदर जो होती है, हम पे बाउंडेशन लगाती हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देती। लेकिन असली दुनिया का पता तब चलता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, और जिस तरह से लोग हमें ट्रीट करते हैं घर से एक कदम बाहर रखते ही असली जो दुनिया है वो पता चलती है। तो उन्हीं सब चीज़ों पर आधारित ये मेरी कविता है। शीर्षक है, मुझको हैरत है। घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्काती है। उस बच्चे की हंसी में माँ को जग की सारी खुशी मिल जाती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। उस बच्चे की हंसी भर से माँ का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चे की मुस्कान देख वह माँ अपने सारे गम भूल जाती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। अब आगे किस तरह से माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है। कपड़े सिलते, सुई से तुरपाई करते, जो हाथों से लहू निकला था। मालकिन के घर में काम करते, जो पीठ में दर्द उठाता। उस दर्द को भी भूल वह माँ बच्चे को आस बंधाती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। अभी बात है परसों की ही, अभी बात है परसों की ही, जब ना था अन्न रसोई में, पर बालक के आने से पहले माँ अन्न जुटाती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। अपने अश्रु को भी वह माँ घूंट भर पी जाती है। दिन आता है जब स्कूल फीस का खाली बटुआ पाकर भी वह माँ बच्चे को आस बंधाती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। बच्चे की आंख से निकला एक भी आंसू उस माँ को कभी ना भाता है। दुख कितना भी मन में हो माँ के, दुख कितना भी मन में हो माँ के, पर माँ सदा मुस्काती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। माँ तो मीठी लोरी है, माँ तो मीठी लोरी है, माँ एक शमा है जो खुद जलकर भी राह दिखाती है। खुद भूखी सोकर भी वह बच्चे का पेट भरती है। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। अब दुनिया के बारे में कि किस तरह से ये दुनिया की रीत है, किस तरह से दुनिया उस बच्चे को, उस बच्चे के साथ ट्रीट करती है। ना जाने क्यों इस जग की रीत है, ना जाने क्यों इस जग की रीत है, खाली पेट को पछाड़ती जाए, भर पेट को देती जाए। ये दुनिया की रीत है कि जिनके पास है उसे और ज्यादा दिए जाते हैं, और जिसके पास वाकई में नहीं है, आप एक बार वहां नजर डाल के देखें, जिनके पास वाकई खाने को रोटी नहीं है, दो वक्त की अपनी रोटी जुटा भी नहीं सकते हैं, वहां कोई नहीं देखता है। ना जाने इस जग की क्यों ये रीत है, भर पेट को देती जाए, खाली पेट पछाड़ती जाए। ईश्वर अल्लाह के नारों के बीच, ईश्वर अल्लाह के नारों के बीच, ना जाने क्यों ये मासूम बचपन बिकता जाए। अपनी कलम पकड़ने की उम्र में वही कलम वह दूसरों को बेचता सड़कों पर पाया जाए। मुझको है शुक्रिया, मुझको हैरत है दुनिया क्यों, यह सब देख ख्वाहिश, ख्वाहिश जो है मैंने अपना तखल्लुस नाम रखा है, पोइटिक नेम, यह सब देख ख्वाहिश कह उठती है खुद से। मुझको हैरत है दुनिया क्यों काबा ओ सोमनाथ जाती है। धन्यवाद।